पठानकोट एयरबेस बाउंड्री पर लगे तार अंदर से ही काटे गए। जांच में हुआ खुलासा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पठानकोट हमले में किसी अंदरूनी शख्स का हाथ होने के अहम सुराग मिले हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि एयरबेस की 10 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल के ऊपर लगे तार अंदर से काटे गए थे। जहां तार काटे गए वहां की लाइटें भी काम नहीं कर रही थीं। एमसीडी हड़ताल का 8वां दिन, कर्मचारियों ने किया एनएच 24 पर प्रदर्शन। बेमियादी हड़ताल पर एमसीडी के वर्कर्स ने एनएच 24 पर प्रोटेस्ट किया, जिससे काफी देर तक जाम लगा रहा। ये रोड दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ता है। अब्दुल बासित ने वीजा के लिए किया फोन। अनुपम खेर बोले, अब नहीं जाऊंगा पाक। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को पाकिस्तान की तरफ से वीजा ना दिए जाने पर विवाद के बीच पाक के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने उन्हें फोन पर वीजा ऑफर किया है, लेकिन अनुपम खेर ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम जाखड़ का निधन, पीएम ने जताया दुख। 10 साल तक लोकसभा स्पीकर रहे और एमपी के एक्स गवर्नर डॉक्टर बलराम जाखड़ का निधन हो गया। वे 92 साल के थे। उनका फ्यूनरल गुरुवार को पंजाब के पंचकोसी में होगा। इंडियन हॉकी कैप्टन सरदार सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज। सरदार सिंह के खिलाफ 21 साल की हॉकी प्लेयर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और अबॉर्शन का आरोप लगाया है। लड़की ने खुद को सरदार का मंगेतर बताया, लेकिन सरदार एंगेजमेंट से इनकार कर रहा है। दिल्ली के देशबंधु कॉलेज में फैशन शो के दौरान टूटा लाइट का स्टैंड। कल्चरल इवेंट के दौरान अचानक एक लोहे का पिलर गिर गया। फैशन शो के दौरान लाइट का स्टैंड टूटने से ये हादसा हुआ। हालांकि किसी को सीरियस इंजरी नहीं हुई। अब नजर शेयर मार्केट पर। इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।